प्रिय विद्यार्थियों, डेफोडिल कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर राजकुमार कुलड़िया आपको नत्व प्रक्रिया पढ़ा रहा था। नत्व प्रक्रिया के अंतर्गत हमने देखा कि न का ण कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है। पहला जो सूत्र था वो क्या था, रसा भ्याम नो न है समान पदे, एक एक नंबर सूत्र ये था। दो नंबर सूत्र आपका री वर्णा नस्य, न त्वं वक्तव्यम्। तीन नंबर आपका सूत्र था अट कूपवांग नुम वे वा ये पि, और अभी एक चार नंबर सूत्र है वो कहता है पदांतस्य, पदांतस्य क्या कर रहे हैं हमें, नत्व प्रक्रिया कर रहे हैं। नत्व प्रक्रिया में क्या होता है, ने का ण होता है, कहां कहां होता है, कहां कहां नहीं होगा ये देखना पड़ेगा। एक नंबर में ये कहा था कि रे के बाद तथा स के बाद, यानी रे या मूर्धन्य स के बाद आने वाले न का क्या हो जाता है, न का क्या हो जाता है, ण हो जाता है। इस प्रकार से कहा गया था, जैसे हमने किरण शेण में किया था और स में जैसे कृष्ण में और धनुष में जैसे इस प्रकार से किया था, विष्णु में किया था, इसी प्रकार से कह रहे हैं कि ये आपके हो गए। एक तो इसने कहा कि रे होगा या फिर क्या होगा, क्षय होगा। दो रिवर्णान से नत्वम वक्तव्यम, कह रहे हैं कि आपने जैसे दो व्यंजनों को जिस प्रकार से कहा उसके साथ तीसरा व्यंजन भी आप जोड़ दें। कौन सा व्यंजन जोड़ दें, रिव। रिव व्यंजन के बाद आने वाले न का भी क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा। तो कितने व्यंजन हो गए, वर्ण कितने हो गए, रे हो गया, मूर्धन्य स हो गया और रि हो गया। इन के बाद आने वाले न का क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा। तो यहाँ हम तीसरा इस प्रकार से री भी करते हैं, री र तथा श के बाद, री र तथा मूर्धन्य स के बाद आने वाले न का क्या हो जाता है, ण हो जाता है। पीछे वाली वीडियो में हमने कहा था मातृणाम पितृणाम होतृणाम भ्रातृणाम सहस्त्रीणाम, इस प्रकार से नृणाम चतृणाम त्रिश्रीणाम, इस प्रकार से हमने पढ़ा था। तो डायरेक्ट र के बाद न का ण, मूर्धन्य स के बाद न का ण और री के बाद न का ण, इस प्रकार से पढ़ा था। डायरेक्ट ना आकर के लगातार ना आकर के बीच में यदि व्यंजनों का व्यवधान हो जाता है तो भी यदि शर्त के अनुसार आगे आने वाले न का क्या हो जाता है, ण हो जाता है। जैसे इसने कहा था अट प्रत्यय के अक्षरों के बाद या फिर कै वर्ग के बाद या पै वर्ग के बाद, यानी ये आपके 23 स्वर और व्यंजन अट कूपू 23 स्वर और व्यंजन का यदि र के बाद और न के बाद यानी पहले यानी 20 के अंदर यदि इनके एक 23 वर्णों का ग्रुप यदि बार बार घूमता रहता है तो क्या होगा, न का ण होगा। और यदि बीच में क्या है जैसे चैवर्ग टैवर्ग टैवर्ग का यदि कोई व्यंजन आ जाता है तब आगे आने वाले न का ण नहीं होगा, ऐसा इस प्रकार से इसने कहा था। अब देखो बच्चों ये पदांतस्य ये कह रहा है कि पद के अंत में आने वाले न का ण नहीं होगा, अर्थात ये जो तीन सूत्र है ना इन तीन सूत्रों का ये निषेध कर देता है। पदांतस्य सूत्र कहता है कि अंतिम अवस्था में आने वाले हलंत न का ण नहीं होगा। अंतिम अवस्था क्या होगी, जैसे आप क्या करेंगे रामान करेंगे, जैसे आप क्या करते हैं बालकान करते हैं, आप क्या करेंगे जैसे हरीन करेंगे, आपका क्या होगा भा नू न, इसी प्रकार से क्या होगा
कृष्णान ऐसी स्थिति होगी। ये जो है ना आप दांतों में आप जाएंगे तो क्या होगा, ए प ठ न ए व द न ए च ल न ए धा व न ए ली ख न, इस प्रकार से सभी जो धातु हैं उसके अंदर आप जाएंगे। तो हम जैसे ये कह रहे हैं कि ये जो रे है और रे और ने के बीच में जैसे आ आया वो अट प्रत्यय का है इस सूत्र के अनुसार, मैं पैवर्क का है इस सूत्र के अनुसार, आ अट प्रत्यय का है इस सूत्र के अनुसार। तो वस्तुतः इस सूत्र की कंडीशन मिल रही है कि इन 23 वर्णों के बीच में रे और ने के बीच में ये 23 वर्ण यदि आते हैं तो आगे आने वाले ने का अनय हो जाता है, ऐसा ये सूत्र कह रहा है। तो कहने का अर्थ है फिर यह क्या हो जाना चाहिए था, इन सब में क्या हो जाना चाहिए था, न का अनय हो जाना चाहिए था। लेकिन ये सूत्र कह रहा है कि पदांतस्य जो अपने आप में अंतिम नय लंद होना उसका आप क्या नहीं करेंगे, अनय नहीं करेंगे। जैसे आप देखो इस नय लंद के बाद क्या है, कोई स्वर नहीं है, ये अपने आप में अंतिम है। ये बालकांड में भी नय क्या है, अंतिम है। हरिण में भी नय क्या है, अंतिम है। वानुन में भी क्या है, नय अंतिम है। कृष्णान में भी क्या है, नय अंतिम है। तो वस्तुतः इन सूत्रों से क्या नहीं होगा, नय से अनय नहीं होगा। तो फिर हम धातु रूप के अंदर लंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में जाते हैं, एपठत एपठतम एपठन एचलन एवदन एहसन एक्रीडन एधावन एलिखन, इस प्रकार से हम इस प्रकार से चलते हैं। तो सब में क्या आता है, नय क्या आता है, अंत में क्या आता है, हलंत आता है। क्योंकि ये अपने आप में क्या होता है, अंतिम हलंत व्यंजन होता है। यदि अपने आप में अंतिम हलंत व्यंजन होगा तो उसका नय का अनय नहीं होगा। वस्तुतः ये सूत्र भी उसमें घटित हो रहा है, यह भी घटित हो रहा है, यह भी घटित हो रहा है। भले ही तीनों सूत्र उसके अंतर्गत घटित हो लेकिन आप क्या नहीं करेंगे, उससे के नय का अनय नहीं करेंगे। पदांतस्य पद के अंत में आने वाले नय का अनय नत्व नहीं होगा, नय का अनय नहीं होगा, इस प्रकार से बताया। जैसे आप रामेण है आपका, अब इसके हम स्थिति इस करेंगे। देखो ये क्या है, रे है, आ है, मैं है, ए है, ने है और ये ए है। अब स्थिति क्या है, ये ऐसे इस प्रकार से होता ना तो ने का क्या नहीं होता, अरे नहीं होता। लेकिन अब बच्चों ये क्या अपने आप में अंतिम नहीं है, अंतिम इसका क्या हो गया, ए हो गया। तो वस्तुतः अब क्या होगा, हम देखेंगे क्या इन सूत्रों में से कोई है। तो ये सूत्र कह रहा है रे हो तो रे आ गया। अब ये सूत्र कह रहा है कि इस रे और नय के बीच में क्या है, अट प्रत्यय के अक्षर, यानी कोई स्वर हो तो स्वर आ गया, और पू यानी प प भ भ में से कोई हो तो मैं आ गया, और फिर कह रहा है अट प्रत्यय का कोई अक्षर आ गया तो ए आ गया। तो वस्तुतः इसको कंडीशन इस सूत्र की मिल रही है, इस सूत्र के हिसाब से ये क्या हो जाना चाहिए था, नय का क्या हो जाना चाहिए था, अरे हो जाना चाहिए था। लेकिन यह जो सूत्र है ना यह निषेध करता है, ये कह रहा है कि वस्तुतः क्या है, यदि अपने आप में क्या हो अंतिम होना तो आप उसका क्या नहीं करेंगे, नय का अनय नहीं करेंगे। लेकिन अब देखो अंतिम है क्या, अंतिम तो इसका क्या है, ए है। तो वस्तुतः अब यह सूत्र क्या करेगा, इस नय का क्या कर देगा, अनय कर देगा। तो आप क्या करेंगे, रामे अनय कर देंगे। इसी प्रकार से आपका जैसे कृष्ण शब्द है, कृष्ण न, अब क्या होगा इसके अंदर बताओ, कृष्ण यहां क्या है, ये मूर्धन्य से है, इसकी स्थिति यहां हो गई। अब ये आगे वाले को प्रभावित नहीं करेगा तो नय का क्या रहेगा, नय रहेगा। आपका जैसे क्या है, बालक शब्द है, बालक, तो बालक का क्या करेंगे, बालकेन करेंगे। क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है, तीनों अक्षर नहीं है, रे भी नहीं है, मूर्धन्य से भी नहीं है, री भी नहीं है, तो आगे नय का क्या रहेगा, नय रहेगा। तो इस प्रकार की स्थिति आपको ये ध्यान में रखना है कि कहां कहां नय का अनय होगा, कहां कहां नहीं होगा। सीधी सी बात है, नय का अनय, एक नंबर का जैसे आपका क्या है, किर और नय यानी बराबर क्या कर देंगे, किरण कर देंगे, इस प्रकार की स्थिति होगी। इसी प्रकार से जैसे
सिर प्लस है ने, तो स्थिति क्या आ जाएगी, ने का क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा, शीर्ण हो जाएगा। ऐसे ही आप क्या करेंगे, क्विश और न है यानी कृष्ण कर देंगे, होत्री प्लस है नाम तो क्या हो जाएगा, होत्री नाम हो जाएगा। ये आपके न यहां तक स्थिति होगी, र और स और री के बाद आने वाले न का अण हो जाता है, ये स्थिति होगी। अब ये जो आपका ये कह रहा है कि वस्तुतः क्या हो जाना चाहिए, अट प्रत्यय के अक्षर र के बाद अट प्रत्यय के अक्षर आए, र के बाद कू, र के बाद कू यानी कैवर्ग और पैवर्ग आए तो भी आगे आने वाले न का क्या हो जाता है, अण हो जाता है। जैसे हमने कहा पुत्र आयन, अब ये आयन है इसमें रे भी नहीं है, सह भी नहीं है, मूर्धने सह भी नहीं है और रे भी नहीं है, तो ये शब्द इसमें नहीं होगा। अब ये उत्तर है तो इसमें रे तो आ गया, लेकिन इसके आगे क्या नहीं है, न नहीं है, तो वस्तुतः इसमें भी नहीं होगा क्योंकि ये क्या समान पद नहीं है। अब हम संधि करेंगे तो क्या होगा, उत्तरायन इस प्रकार से होगा। ये क्या है, समान पद हो गया, ये एक पद हो गया, समान पद हो गया। समान पद की स्थिति में र के बाद क्या आ जाए तो न आ जाए, तो ये आपका क्या है, र है। अब इसमें क्या है, आ है, आ किस में आता है, अट प्रत्यय में आता है। फिर आपका क्या है, यह है, यह किस में आता है, अट प्रत्यय के अंतर्गत आता है। फिर इसमें क्या आ गया, ए, ए किस में आता है, अट प्रत्यय के अंतर्गत, तो आ गया आने वाले न का क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा। तो क्या कर देंगे, उतरायन, जैसे आप क्या करते हैं, रामायण, यहां नय का क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा। लेकिन जैसे आप क्या करेंगे, दक्षिणायन, यहां क्या नहीं होगा, नय का क्या नहीं होगा, अण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां देखो ये अण है, इस अण के बाद क्या है, आ है, आ किस में आ गया, अट प्रत्यय में आ गया। फिर आपका यह है, फिर क्या है, ए है, फिर और न, तो ये जो है ना, क और श के मूर्धन्य श के बाद क्या है, ई आया, ई अट प्रत्यय में आता है, लेकिन अण है वो अट में भी नहीं आता है, कु में भी नहीं आता है और पु में भी नहीं आता है। इसका मतलब ये व्यवधान हो गया, तो आगे आने वाले न का क्या नहीं करने देगा, ये अण नहीं करने देगा। ये कह रहे हैं कि अट प्रत्यय, र और न के बीच में अट प्रत्यय हो या कैवर्ग का कोई व्यंजन हो, या कैवर्ग का कोई व्यंजन हो, तो वस्तुतः बीच में गैप होने के बाद भी आगे आने वाले न का क्या हो जाता है, अण हो जाता है। लेकिन जैसे दक्षिणायन में क्या है, क और श यानी मूर्धन्य श है के बाद क्या है, ये न आ गया, न किस में नहीं आता है, अट प्रत्यय में नहीं आता है, उ कैवर्ग में नहीं आता है, उ पैवर्ग में नहीं आता है, तो वस्तुतः अब आगे आने वाले न को क्या नहीं करने देगा, अण नहीं करने देगा। तो ये स्थिति हो गई, और ये अंत में ये स्थिति कह रहा है कि आप क्या करेंगे, बात ठीक है तीनों सूत्रों की जो जो भी अपनी स्थिति है, लेकिन एक शर्त ये है कि पद के अंत में न का न नहीं होता है, पद के अंत में न का ने नहीं होता है। जैसे आप क्या करेंगे, ए कुर्वन, इस प्रकार से करेंगे, ए कुर्वन, ए कुर्वन में क्या आ गया, आपका रे आ गया, देखो ये रे आ गया, और इसके बाद वे आ गया, और इसके बाद ए आ गया, इसके बाद क्या आ गया, न आ गया। तो बच्चों ये रे है, रे के बाद हम अट प्रत्यय में देखते हैं तो ये वे अट प्रत्यय का अक्षर है, फिर अट प्रत्यय में देखते हैं तो ए अट प्रत्यय का अक्षर है, तो वस्तुतः रह का क्या हो जाना चाहिए था, अण हो जाना चाहिए था, लेकिन वस्तुतः ये कह रहा है कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये सूत्र कहता है पदांत न का अण नहीं होता है, तो ये जो न है ना वो अपने आप में क्या हो गया, लास्ट हो गया, अंतिम हो गया, अपने आप में लास्ट हलंत न का या अंतिम हलंत न का आप क्या नहीं करेंगे, अण नहीं करेंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ, ये आपका क्या है, जो आप शब्द रूप पढ़ेंगे, जो आप धातु रूप पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी जगह
पचासों जगह इस प्रकार से आपको है ना ये गतिविधि आपको करने पड़ेंगे। तो तीन प्रकार से आपको सूत्र कहा, रे और शे और री, तीन जैसे वर्ण है, के बाद आने वाले किसी भी ने का ने हो जाता है, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन कैसे ने को छोड़ेंगे, अंतिम ने को छोड़ेंगे, अपने आप में लास्ट वाला हलंत ने होगा, के अंदर यदि कोई स्वर नहीं जुड़ा होगा अपने आप में वो क्या हो, हलंत हो, तो उसको हम क्या करेंगे, उस ने को ने ही रखेंगे, उसमें न तो है नहीं होगा, ने का क्या नहीं होगा, अने नहीं होगा। तो ये इस प्रकार से तीन अक्षर बताए, रे मूर्धन्य से और री के बाद आने वाले ने का क्या हो जाता है, अने हो जाता है। अब हमें ये कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है, ये कह रहे हैं कंटिन्यू यदि रे के बाद न आता है, श के बाद न आता है, री के बाद न आता है तो मतलब क्या हुआ, अने होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि कंटिन्यू की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बीच में बहुत सारे अक्षर आ सकते हैं, 23 अक्षर हैं, वो रिपीट हो सकते हैं, कई बार आ सकते हैं, लेकिन अक्षर 23 आने चाहिए। अट प्रत्यय में सभी स्वर और है, ये, वे, रे, इस प्रकार से चार ये व्यंजन और कु और पु यानी क वर्ग के पांच व्यंजन और प वर्ग के पांच व्यंजन, रे के बाद यदि अट प्रत्यय के क वर्ग के और प वर्ग के व्यंजन रिपीट होते रहते हैं, आगे पीछे कई बार आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। के बाद आने वाले न का भी क्या हो जाता है, ण हो जाता है। इन्होंने क्या कहा था, डायरेक्ट रे के बाद, डायरेक्ट श के बाद, डायरेक्ट री के बाद, री के बाद आने वाले न का क्या हो जाता है, श हो जाता है, बीच में कोई गैप नहीं हो तो ऐसी स्थिति कहा था। लेकिन ये कह रहे हैं कि गैप हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी न का क्या होगा, ण होगा। लेकिन गैप के बीच में, रे और न के गैप के बीच में इन इन वर्णों का ही रिपीटेशन होना चाहिए। कौन से अट प्रत्यय के वर्ण आ सकते हैं, कई बार आगे पीछे आ सकते हैं, क वर्ग के भी वर्ण आ सकते हैं और प वर्ग के भी वर्ण आ सकते हैं, के बाद आने वाला न है तो भी ऊपर की तरह उनका क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा, ऐसा कहा। अब ये एक पदांत से सूत्र क्या कहता है कि आप ये देखो बात आपकी ठीक है, आप हर जगह न का ण कर सकते हो, लेकिन अपने आप में जो शब्द का अंतिम जो न हो, हलंत हो, जो अपने आप में शब्द का अंतिम हलंत न हो, उसका आप क्या नहीं करेंगे, ण तो है नहीं करेंगे, वह न का क्या रहेगा, न रहेगा। जैसे मैं कहूं राम का रामान, बालक का बालकान, हरि का हरिन, भानु का बालुन, पशु का पशुन, साधु का साधुन, कृष्ण का कृष्णान, न आएगा। तो कहने का अर्थ है इन सब में ना किसी में भी क्या नहीं किया आपने, नहीं किया। लेकिन रामेण, कृष्णेण, बालक इस प्रकार से पुष्पेण, पुष्प का पुष्पेण कर दिया, कृष्ण का कृष्णेण कर दिया, राम का रामेण नय कर दिया, अनय किया, क्योंकि वहां क्या है अंतिम नय के बाद क्या है, अंतिम नहीं है वो, बल्कि वहां नय के बाद अंतिम ए आया, नय की नय अंतिम आया, अंतिम ए आएगा। कंडीशन यदि इस सूत्र की मिल जाएगी तो उस ऐसे पूर्व या किसी भी स्वर अंतिम है से पूर्व जो न है का तो ण हो जाता है, लेकिन जो अपने आप में अंतिम न होता है उसका ण आदेश से नहीं कर सकते। तो आज मैंने इन दो वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि न का ण जो होता है उसको ण तो है प्रक्रिया कहते हैं, और ये आपको मैंने अच्छी प्रकार से बता दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा, और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।